चलो देखे, अभी देखते हैं ब्रदर खा के उसके बाद फिर बताता है ज़्यादा अमाउंट में बिकती है वो दुकान है या जनरल कोई दुकान है। यहाँ पे देखो बड़ा मस्त एकदम लग रहा है, हमें तो लग रहा है ना कि जैसे ये गोडाउन है, मतलब गोदाम वाली जो होती है ना, हम लोग गोदाम बोलते हैं जहाँ पे मिलती है, तो उसे गोदाम ही बोलते हैं। पता नहीं यहाँ के भाई, हम दोनों साथ में जा रहे हैं जैसलमेर, ठीक ना। एक्चुअली में दोनों की नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्रा बैकपैकर। एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल ब्रदर हम जा रहे थे जैन टेंपल, भंडसार ऐसी करके है कुछ, शायद मैं प्रोनाउंसिएट सही कर रहा हूं या नहीं प्लीज़ कमेंट में बता देना। भंडसार या भंडसार ऐसी करके कुछ नाम है, वो जैन टेंपल है, काफ़ी नामी जैन टेंपल है जो कि ठीक मेरे सामने है। तो जाते जाते भाई मैं थक गया था थोड़ा सा, तो मैं सोचा कि भाई इस गार्डन में रुका जाए। बड़ा कूल सा गार्डन है यार, आप देख सकते हो, देखो सामने है जैन टेंपल। ये जो आपको दिख रहा है ना, एक टेंपल दिख रहा है ना पेड़ों के बीच से, वो जैन टेंपल है वहाँ पे। और ये बड़ा कूल सा यार गार्डन है, मेरे को बहुत मस्त लगा यार ये गार्डन। पूरा छांव है, इतनी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पे ठंडी सी लग रही है, फील ठंडी सी हो रही है। और ये देखो यहाँ पे कुछ फाउंडेशन भी है, और यहाँ कोई माता जी का मंदिर है यार, यहाँ पे माता जी का मंदिर है। और मतलब यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं ना भाई एक जगह पे, कि मतलब घूमते घूमते पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन मंदिर ख़त्म नहीं होगा। ये जैन टेंपल के पास, ये एकदम ठीक सामने ही है मेरे जैन टेंपल। थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, लेकिन ये मैंने पार्क देख लिया था, बड़ा कूल पार्क लगा मेरे को। तो चलते हैं जैन टेंपल, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। मैं चलूँगा थोड़ा सा देर के बाद। और भाई देखो हम आ गए हैं जैन मंदिर के पास, ठीक ना। और क्या कहते हैं, देखो टेंपल बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ का माहौल देखो कुछ ऐसा है। अभी यार बहुत ज़्यादा कस के धूप है इतना ना, और उतनी तेज़ हवा भी नहीं चल रही है। ये रहा ये वाला है ना जैन टेंपल, और इसके अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। बड़ा मस्त टेंपल है यार ये देखो, ये बाहर से ना उतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन अंदर में अच्छा है, ठीक ना। तो यहाँ पे अच्छा, ये टेरिटरी के बीच में है यार, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे टेरिटरी है, उस टेरिटरी के बीच पे है ये। और यहाँ पे बहुत सारा मंदिर मस्जिद सारा चीज है, और इसके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जूते वगैरह वगैरह उतारना पड़ेगा, तो फिलहाल जूते उतार के अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं। ये भाई देखो जैन टेंपल में जा रहे, अब पता नहीं यार ये बंद है कि खुला है, ये मेरे को बिल्कुल पता नहीं। चलते हैं देखते हैं अंदर फोटोग्राफी वगैरह वगैरह के लिए है या नहीं। अरे यार खुला है यार, क्या मस्त है यार साला। सॉरी सर, वीडियो नहीं, ओके सर। खा तो ज़रूर, लेकिन क्या मैं बोलूँ यार, उतनी दूर से आते हैं देखने भी बढ़िया से नहीं देते, और वीडियो बनाना अलाउड ही नहीं यार। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, कला देखने आओ वीडियो नहीं बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा यार। फिर देखते हैं, साला एक फोटो भी क्लिक बढ़िया से नहीं करने दिया। देखो अब बाहर ही से जो थोड़ा बहुत दिख गया तो दिख गया, नहीं तो नहीं दिखेगा यार। उतनी दूर से आता है इंसान, ठीक है देख लिया, थोड़ा सा अगर वीडियो बना ही लेता, वही थोड़ा सा जो आया अंदर का ना, अंदर के बाद ना वो सब मतलब कि
चारों तरफ से घूमने भी नहीं दिया, मतलब अंदर में घूमने दिया लेकिन चारों बगल से जो बाहर था ना, तो वो बाहर से मतलब कि नहीं करने दिया। और क्या यार, इतनी धूप में सारे के सारे दुकान भी बंद है, तो मैं क्या कहूँ। और ये देखो ना, एकदम पूरा मंदिर यार, आर्किटेक्चर बड़ा मस्त था यार, क्या एकदम बिंदास लग रहा था यार। इतना अच्छा कटिंग करके बनाया हुआ था ना, तो मैं क्या बोलूँ, पीछे से देखते ना तो और बढ़िया लगता। खैर जाने को नहीं कहा तो नहीं कहा सही, ठीक ना। चलते हैं यार लालगढ़ पैलेस में चलते हैं, वहाँ पे शायद कुछ वीडियो बनाने को मिल जाए तो मिल जाए। हालांकि यहाँ पे बस अब कुछ है तो नहीं, वो पिछले वाला वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया, जूनागढ़ फोर्ट देख ही लिया, फिर आपने वो करनी माता की मंदिर की भी देख ही लिया। बस यही दो फेमस है, कि ये वाला फेमस है, लालगढ़ भी है लेकिन लालगढ़ के मैं क्या करूँ, अभी गया नहीं। इतनी धूप है ना यार कि चलने में एकदम बन ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा है। कल ना हवा भी कस कस के चल रही थी, आज तो हवा भी नहीं चल रही है यार। एक और मंदिर है तो यहाँ पे ना जितने भी देखो, जितना भी देखो मंदिर कम है, बहुत ज़्यादा है मंदिर है। और यहाँ पे यार सारे के सारे दोपहर में यार एकदम बंद हो चुका है। आज आपको ना, आज मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो क्या कहते हैं रात वाला, कि रात में कैसा दिखता है बीकानेर, ठीक ना। दिन वाला तो कल दिखाई दिया यार पिछले वाले वीडियो में, आज रात वाली मैं जान रहा हूँ कि मैंने पिछले वाले में भी कहा था कि रात वाला दिखाऊंगा, लेकिन यार वो मंदिर से ना करनी मंदिर से आने में करीब 11:30 हो गए थे। फिर उसके बाद मैं खाना खाया यार, खाना खाने के बाद फिर 12 बज गए, तो सारा का सारा दुकान बंद हो चुका था, सारा का सारा बंद हो चुका था। तो फिर मैंने छोड़ दिया, कहा कि भाई अब कल दिखा दूंगा। तो खैर अब क्या कर सकते हैं भाई, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक ना, क्योंकि आज 11 बजे रात में है मेरी ट्रेन, यहाँ से जैसलमेर जा रहा हूँ। जैसलमेर में अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा, देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा यार। देखो जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ ज़रूर। ये बाज़ार जो देख रहे हो ना ब्रदर, इसका नाम है बड़ा बाज़ार, ठीक ना। ज़्यादा नहीं, जैन टेम्पल के ठीक एकदम बगल में ही है बड़ा बाज़ार, तो आधा तो बंद हो चुका है, बंद है। तो फिर देखते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी कोई स्टोर है, क्या क्या किसका डाटा ले रहा है? डेटा नहीं, मार्केट में ऐसे खींच रहा हूँ यूट्यूब के लिए, घूमने के लिए। हाँ हाँ, यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये होलसेलर वाली दुकान है, जहाँ पे मतलब कि वो ज़्यादा अमाउंट में बिकती है वो दुकान है, या जनरल कोई दुकान है। यहाँ पे देखो बड़ा मस्त एकदम लग रहा है, हमें तो लग रहा है ना कि जैसे ये गोडाउन है, मतलब गोदाम वाली जो होती है ना, हम लोग गोदाम बोलते हैं जहाँ पे मिलती है, तो उसे गोदाम ही बोलते हैं, पता नहीं यहाँ के लोग क्या बोलते हैं। ऐसे तो इसका नाम बड़ा बाज़ार है यार, मेरे अपने ही से कट जाते हैं। और ये जलेबी भी हो रहा है, और ये देखो ये क्या है यार, दही बड़ा। अच्छा, कितने का है सर? अच्छा, एक देना आप, एक देना मेरे को, ये 20 रुपए की है भाई, अच्छा लग रहा है देखने में, देखते हैं खाते कैसा लगता है फिर बताते हैं। हाँ भाई, ये देखो बीकानेर की सबसे बेस्ट दही बड़ा, कांजी बड़ा। अच्छा, और दही बड़ा। ये दुकान की नाम क्या है भैया? कांजी बड़ा, ग्रेजुएट कांजी बड़ा, ग्रेजुएट कांजी बड़ा।
अच्छा अच्छा, वो ग्रेजुएट वाला बीटेक वाला नहीं चला है, बीटेक चाय वाला है वो तो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो उसी टाइप का है ग्रेजुएट। ये देखो चार एक कर दो और चार एक कर दो, गांजी बड़े चार एक दो चार चार दो। चलो देखे अभी देखते हैं ब्रदर खा के, उसके बाद फिर बताता हूँ। गांजी बड़ा जो है ये मोठ दाल का बनता है। अच्छा, और मोठ दाल के साथ में इसमें दही का पानी होता है, दही दही, और हर मौसम के हिसाब से क्या होता है मसाला डाल के होता है, डाइजेस्टिव पानी है, और पेट में जो भी संबंधित बीमारी है उसका भी इलाज कर देता है, उसको शांत करता ही है, के साथ साथ ये पेट के कई रोगों को भी सही करता है। अच्छा अच्छा, ये वाला आप एक जो और दिखा रहे थे वो क्या है, ये वाला वो कांजी बड़ी। अच्छा कांजी बड़ी, दुकान का नाम भी कांजी बड़ी में भाई यही होता है ना, ये ग्रेजुएट कांजी कांजी बड़े वाले हैं, ठीक है। ये मैंने देखा, और ये देखो मेरे को दे रहे हैं भैया, थोड़ा सा रखना भैया, और ये पैसे ले लेना, 20 रुपए की है ब्रदर, ज्यादा नहीं है, 20 रुपए की है। और ये जो है ना, थोड़ा सा आप ये वाला दिखाना भैया, क्या ये देखो ना सरसों वाली है ना, सरसों पीस करके, और ये चीज ठीक किया, इसको बोलते हैं कांजे बड़े, कांजी बड़े, ठीक ना। और बस यही, और यहाँ के सबसे फेमस है यही, ठीक ना, यहाँ पे यही फेमस है। तो हम कहेंगे भाई चलो फेमस वाली चीज़ें खा के देखता हूँ, दही ये देख रहे हो मस्त है। चलो आगे देखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बीकानेर की गलियों में हूँ, और क्या कहते हैं, अभी रात के 10:15 होने वाले हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, और अगला मेरा जो डेस्टिनेशन है वो है जैसलमेर, ठीक ना। तो जैसलमेर की तरफ मैं जा रहा हूँ, और ये रहा मार्केट, ये देखो यार मैं क्या करूँ, यहाँ इतनी जल्दी बंद हो जाते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा जल्दी बंद हो जाते हैं। तो बस दिखा रहा हूँ आप लोग को, जो खुला है वो देख लो, ठीक ना। तो ये देखो भाई, हम दोनों साथ में जा रहे हैं जैसलमेर, ठीक ना। एक्चुअली में दोनों की साथ में ही ट्रेन है, तो मैं जा रहा था, तो अब भाई मैं क्या करूँ, इसमें सारे के सारे बंद हो चुके हैं। हम समझ रहे हैं कि भाई 9 बजे आया थे लेकिन नहीं आ पाया मैं। ये देखो भाई हमारी ट्रेन आ गई, अब चलते हैं। भाई आते समय आ चुकी थी, फिर मैं यहाँ पे इंटर किया इसीलिए। ये देखो अब जा रहा हूँ खोज लाल ब्रदर, अभी हम जैसलमेर में आ चुके हैं। आया तो था मैं सुबह में ही, लेकिन क्या हुआ यार कि सोए नहीं थे रात भर, तो नींद आ गई तो हम सो गए, फिर अभी शाम को निकले हैं कुछ। तो आप लोगों की शिकायत भी थी कि भाई आपने जो रात वाली वीडियो तो सारी क्लोज हो गई थी, तो भाई इसीलिए मैं जल्दी से निकला हूँ, और रात की आपको जैसलमेर की मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये जैसलमेर की है गलियाँ, ठीक ना, कुछ ऐसा दिखता है, माहौल बहुत बढ़िया है यार। और मैंने फोर्ट जो होता है ना जैसलमेर फोर्ट, उसके अंदर ही होटल लिया है, तो ये मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अगले वीडियो में मैं दिखा दूँगा, ठीक ना। और बस मैं सोचा था कि वहाँ, जैसे कि आप पिछली ये वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि जैन टेंपल में गया बीकानेर में, फिर बीकानेर से रात को मैं वहाँ से आ रहा था,
फिर आया यहाँ, फिर उतरा और उसके बाद फिर यहाँ हूँ, फिर सो गया था यार, इसीलिए बहुत कस के नींद आ रही थी ना, क्योंकि रात भर नहीं सोया था और करीब 6-7 मतलब कि 6-7 घंटे लग गए वहाँ से यहाँ आने में। तो हम कह के चलते हैं भाई, और ये देख लो कुछ मार्केट ऐसा ही दिखता है, अभी ज़्यादा नहीं 7-8 बज रहे होंगे, 8 के आसपास में, और सारा मार्केट बंद होने लग रहा है यार। देखो ना यहाँ शायद कैमल का ये बेल्ट हैट वैट, ये देखो मोबाइल वाला है, और इधर ना घड़ी वड़ी का है, ये घड़ी का है, और क्या यार, जैसलमेर बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त है। और यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, होटल अगर वगैरह बहुत सस्ते मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा कितना मस्त होटल है, और जानते हो कितने का है, मात्र 120 रुपये का, और टैक्स वैक्स मिला करके 140 रुपये के आसपास हो जाता है। तो यार 140 रुपये कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक ना। और मैं ये भी दिखाऊंगा इसमें कि जैसलमेर का फोर्ट जो होता है वो कैसा दिखता है रात में, और फोर्ट मैं दिखा दूंगा दिन में, क्योंकि उसी फोर्ट में लिया है ना मैंने वो, उसको क्या बोलते हैं यार, रूम, प्राइवेट रूम है। देखोगे ना तो कहोगे, मतलब और जगह पे ना तुमको एकदम महंगा मिलेगा, करीब 500 रुपये के आसपास में, लेकिन जैसलमेर में बहुत होटल सस्ता है, बहुत 75-75 रुपये में, 100-100 रुपये में। और यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरे को टी शर्ट भी ख़रीदना है यार, तो टी शर्ट देखते हैं। अभी मैंने पूछा तो अभी जा रहे थे इधर, फिर छोड़ दिए, हम कहते ना क्या जाना यार। और ये देखो इधर सूट का है यार, यहाँ चमड़े वाला ना बिजनेस बड़ा मस्त होता है। ये देखो ना बैग बड़ा मस्त है, पूछेंगे अगर आ गया ना थी में, क्या कहते हैं, मेरे बजट में आया ना, एक ले के जाएंगे, बड़ा मस्त है यार। हालांकि महंगा तो देगा ही, और वो कैमल वाला होगा, और तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे देखो मेडिकल स्टोर भी है, और ये रक्षाबंधन है भाई, तो रक्षाबंधन में अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अभी 6-7 या 8 होंगे तारीख, तब ये ब्लॉग बना रहा हूँ। पता नहीं यार ये ब्लॉग कब तक आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है यार, एक दिन मेरे को लग जाता है। और इधर देखो, अच्छा ट्रेलर है ये सॉरी ट्रेलर है भाई, ट्रेलर नहीं, ट्रेलर वो सिनेमा हॉल में देखते हो ना, उसको बोलते हैं ट्रेलर, जो थोड़ी सी नहीं दे रहा है ट्रेलर। और ये दुकान कुछ ऐसा दिख रहा है, फिलहाल इसी गली में मैं घूम रहा हूँ। और यार मार्केट अच्छा है, अच्छा खासा मार्केट। चलो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, और क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से क्या फ़ायदा, छोटा ही रखते हैं इस वीडियो को, फिर भी यार लगता है 15-20 मिनट का हो ही गया, छोटा क्या होना, क्योंकि वो जैन टेंपल भी है, फिर उसके बाद वो वहाँ की जो नाइट लाइफ क्या यार, मतलब कि जो नाइट में जो वहाँ की मार्केट दिखती थी, वो बड़ा बाजार ही सब दिखाया ही था आप लोगों को, फिर यहाँ आ गया तो यहाँ की नाइट मार्केट भी इस तरीके से। अरे यार पता नहीं यहाँ पे क्या जगह जगह पे वो भजन कीर्तन होते रहता है, और ये मार्केट है एकदम मेन मार्केट में ही फोर्ट है ना, फोर्ट के एकदम बगल में ही है जैसलमेर फोर्ट। और ये देखो भाई, आपका थोड़े ना बना रहे, ये अपना बना रहे हैं ना, सब ना अपने आपको एडवाइस मतलब देना एकदम शुरू कर देते हैं, बिना परमिशन के वीडियो बनाना ना, तेरे को थोड़े ना बना रहा हूँ मैं तो अपने आप को बना रहा हूँ। अब फिलॉसफी देने वाले इतने लोग हैं ना यार, कि मत पूछो, अच्छी फिलॉसफी कोई नहीं देता, सब अपनी अपनी फिलॉसफी में लगे होते हैं। चलो यार एक ही चीज़ की कितना दिखाता रहूँ, और कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं आपको। फिर मेरे को ना एक इन्फॉर्मेशन देना है,
एक्चुअली मैं ना क्या कहता हूँ, जब मैं होटल आ गया ना तो मेरे को याद पड़ा, तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन मे भी कि आप लोग के लिए बेस्ट हो, तो मैं बता देता हूँ। ये इसी फोर्ट में ही रहता हूँ, मतलब कि यही होटल लिया मैंने। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आते हो जैसलमेर में तो फोर्ट के पास रुको या उसके आसपास में रुको, तो यहाँ पे एक हनुमान सर्कल है, ठीक ना। तो हनुमान सर्कल में आप चले जाना, हनुमान सर्कल के पास, वहाँ पे 100 रुपीज़ में एक पेट भर कर खाना आपको मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी कोई ख़राब नहीं, एकदम बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। बाकी आप रेस्टोरेंट में भी खा सकते हो, 250-300 लगाना है तो, ज़्यादा दूर नहीं, हाफ किलोमीटर तक पड़ेगा, पर 500 मीटर यार ये तो यूं निकल जाते हैं, तो आपकी मर्जी, मैंने बता दिया। और हाँ भाई, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना भाई, जितेंद्रा सॉफ्ट टेप मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम हैंडल। चलो फिर कल मिलता हूँ किसी और वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ आपको हूँ मैं, कल मिलता हूँ, थैंक यू।